Assalamu alaikum. Today we are going to start broad fish tapeworm. In the last lecture we have studied the beef tapeworm parasites of human, and now we are going to start the broad fish tapeworms parasites in humans. So scientific name of broad fish tapeworm is Diphyllobothrium latum. Ye iska scientific name hai, Diphyllobothrium latum. This is the scientific name of parasite broad fish tapeworm. तो इसके अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले है इट इज़ कॉमन इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये कहाँ पर कॉमन है? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कॉमन है. नेक्स्ट है दिस टेपवर्म हैज़ अ स्कॉलेक्स. इस टेपवर्म के अंदर स्कॉलेक्स होता है. ये इनका स्कॉलेक्स है जिसको हेड पार्ट कहते हैं. दिस इज़ अ स्कॉलेक्स. ठीक है, ये इनका स्कॉलेक्स है. द स्कॉलेक्स हैज़ टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स कॉल्ड एज बोथ्रिया. इनके स्कॉलेक्स के अंदर टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं. ये जो देख सकते हैं हम, एक ये और एक ये, दीज आर टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स. इनको बोथ्रिया कहा जाता है. दोनों को कलेक्टिवली बोथ्रिया कहते हैं, और अगर एक सिंगल होगा उस सिंगल को बोथ्रियम कहेंगे. तो इनका जो स्कॉलेक्स होता है उसके अंदर ये टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं जिनको बोथ्रिया कहते हैं. जैसे कि हमने जो इससे पहले टेपवर्म देखा था, बीफ टेपवर्म, उसके अंदर थे हुक्स प्रेजेंट थे, लेकिन इनके स्कॉलेक्स के अंदर हुक्स प्रेजेंट नहीं है. इनके स्कॉलेक्स के अंदर ये बोथ्रिया प्रेजेंट है. नेक्स्ट है बोथ्रिया एक्ट एज अ होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर. इनके अंदर ये जो बोथ्रिया है ये एज अ होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर एक्ट करता है. अटैचमेंट के लिए अपना रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है एडल्ट वर्म मे अटेन अ लेंथ ऑफ 10 मीटर. जो एडल्ट वर्म होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो 10 मीटर तक रीच कर सकती है. मैनी प्रोग्लॉटिड्स रिलीज एग्स थ्रू द यूटराइन पोर्स. इनके अंदर जो टेपवर्म्स होते हैं उनके अंदर भी जो प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो इनके प्रोग्लॉटिड्स हैं, इनके जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मैनी प्रोग्लॉटिड रिलीज एग्स, बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो एग्स को रिलीज करते हैं थ्रू द यूटराइन पोर्स. इनके जो यूटराइन पोर्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्लॉटिड को ओपन करके दिखाया है. ये इसकी यूटराइन यूटरस है. तो इनकी ये वाली जो वॉल है यूटरस की, इसको कहते हैं यूटराइन वॉल. ठीक है, ये एग्स प्रेजेंट है यूटरस के अंदर. तो इस यूटराइन वॉल्स के थ्रू जो एग्स होते हैं बाहर आ जाते हैं प्रोग्लॉटिड्स के अंदर से. तो ये बताया कि बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो प्रोग्लॉटिड के अंदर से रिलीज़ होते हैं उनकी यूटराइन वॉल के थ्रू, एंड द एग्स आर डिपॉजिटेड इन द फ्रेश वाटर. और उसके बाद जो एग्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं. नेक्स्ट जो है ये इनकी कुछ लार्वल स्टेजेस होती हैं, ये वाली जो इनके लाइफ साइकिल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. नंबर वन है कोरासीडिया, सेकंड है प्रोसरकॉइड, और फिर है प्लीरोसरकॉइड. ये थ्री लार्वल स्टेजेस होती हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर. तो वन बाय वन इनको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो मैंने बताया कि जो एग्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर डिपॉजिटेड कर दिए जाते हैं यूटराइन पोर्स के थ्रू. फ्रेश वाटर के अंदर एग्स डिपॉजिट हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? सो सबसे पहली स्टेज है इनके अंदर कोरासीडिया. इसमें है द एग्स आर हैच्ड एंड सीलिएटेड लार्वा कोरासीडिया आर फॉर्म्ड. मैंने बताया कि एग्स जो हैं वो यूटराइन पोर्स के थ्रू फ्रेश वाटर के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? कोरासीडिया लार्वा ने बनना है. तो होगा क्या? जो एग्स वाटर के अंदर डिपॉजिट हुए हैं वो क्या करते हैं? एग्स हैच करते हैं और उनके अंदर से एक सीलिएटेड लार्वा निकलता है जिसको कहते हैं कोरासीडिया. ठीक है, कोरासीडिया जो है ये प्लूरल के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है. एक लार्वा होगा तो कोरासीडियम कहेंगे. अगर बहुत सारे लार्वा निकलेंगे तो उनको कोरासीडिया, कोलेक्टिवली अगर मैनी लार्वाज निकल रहे हैं एग्स के अंदर से तो वो कोरासीडिया कहलाएंगे. सिंगल लार्वा होगा तो कोरासीडियम कहलाएगा. ठीक है, तो एग्स जब हैच करते हैं तो उनके अंदर से सिलिएटेड लार्वा निकलते हैं जिनको कोरासीडिया कहते हैं, और ये सिलिएटेड लार्वा बन जाते हैं. उसके बाद दीज कोरासीडिया आर इंजेस्टेड बाय कॉपी पॉड्स. अब फ्रेश वाटर के अंदर कॉपी पॉड्स प्रेजेंट होते हैं. कॉपी पॉड्स जो होते हैं वो क्रस्टेशियन होते हैं. ठीक है, जो क्रस्टेशियंस जो होते हैं ये मैरीन इंसेक्ट होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं. इन मैरीन इंसेक्ट्स के अंदर इनका जो नेम है वो होता है कॉपी पॉड्स. तो जो कॉपी पॉड्स क्रस्टेशियंस होते हैं ये इन जो कोरासीडिया लार्वा होते हैं इनको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं. तो कोरासीडिया लार्वा अब चले गए क्रस्टेशियंस की बॉडी के अंदर. नेक्स्ट है सेकंड लार्वा स्टेज इज प्रोसरकॉइड. प्रोसरकॉइड के अंदर क्या होता है? तो कोरासीडिया शेड द सिलिएटेड कॉट. अब जो कोरासीडिया लार्वा होते हैं वो क्रस्टेशियंस जो कॉपी पॉड्स होते हैं क्रस्टेशियंस इनकी बॉडी के अंदर अपने जो सिलिएटेड कॉट होता है इनके ऊपर उसको क्या करते हैं? शेड कर देते हैं कॉपी पॉड्स के अंदर ही. इट डिवेलप्स इंटू
प्रोसरकॉइड लार्वा, और अपना शेड को वो जो कोट होता है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोट होता है उनकी बॉडी के ऊपर लार्वा के ऊपर, उसको सीक्रेट कर देते हैं, उसको शेड कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोसरकॉइड लार्वा न्यू लार्वल स्टेज के अंदर। फिश ईट द कॉपीपर्स, उसके बाद जो होते हैं ये जो स्मॉल क्रस्टेशंस होते हैं जिनको कॉपीपर्स कहते हैं, इनको फिश जो होती हैं ये ईट कर लेती हैं। ठीक है, तो अब जो कॉपीपर्स होते हैं वो फिश के अंदर चले जाते हैं, फिश की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लार्वल स्टेज, इसमें है प्लीरोसरकॉइड, इसको कहते हैं थर्ड लार्वल स्टेज को प्लीरोसरकॉइड। द प्रोसरकॉइड ब्यूरो इनटू द मसल्स ऑफ द फिश, अब जो प्रोसरकॉइड लार्वा होता है जो कि कॉपीपॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जब फिश कॉपीपॉइड को ईट कर लेगी तो ये जो है कॉपीपॉइड फिश की बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोसरकॉइड लार्वा होगा वो क्या करेगा, बरो इनटू द मसल्स ऑफ द फिश, फिश के मसल्स के अंदर सुराख करेगा एंड बिकम प्लीरोसरकॉइड लार्वा, और उसके मसल्स के अंदर जाकर वो प्लीरोसरकॉइड लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये थर्ड लार्वल स्टेज है। नेक्स्ट है लार्जर फिशेस दैट ईट स्मॉलर फिशेस बिकम सिमिलरली इन्फेक्टेड विद द प्लीरोसरकॉइड्स, अब ये जो स्मॉल मतलब जो लार्जर फिशेस होंगी अगर वो इन स्मॉलर फिशेस को खाएंगी तो उनकी बॉडी के अंदर भी प्लीरोसरकॉइड लार्वा पहुंच जाएगा, जो जो एनिमल्स जो इन फिशेस को ईट करेंगे उनकी बॉडी के अंदर जाहिर है फिर प्लीरोसरकॉइड्स पहुंच जाएगा लार्वा। नेक्स्ट है व्हेन ह्यूमन ईट रॉ और इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट, इसी तरह अगर कोई ह्यूमन कोई इंसान जो होता है इम्प्रॉपरली या फिर पुअरली कुक्ड मीट खाता है इस फिश का तो उसके अंदर भी ये लार्वा पहुंच जाता है, इट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन, फिर वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर भी पहुंच जाती है, इट ग्रोज इनटू एडल्ट वॉर्म इन ह्यूमंस, और फिर ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही वो एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है इनका लाइफ साइकिल, ये किस तरह जो है ये पहले किस तरह ये अपने लार्वा स्टेजेस के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रॉड फिश टेपवर्म, इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि एग्स होते हैं और एग्स डिपॉजिट किए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो देख सकते हैं जो एडल्ट स्नेल है उसके जो एग्स हैं वो यूटराइन वॉल्स के थ्रू जो है फ्रेश वाटर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद एग्स जो हैं वो हैच करते हैं, उनके अंदर से कोरासीडियम लार्वा निकलता है, फिर ये जो कोरासीडियम लार्वा होता है इसको कोरासीडियम लार्वा हैचेस फ्रॉम द एग, एग से हैचेस करता है। ठीक है, ये एग है, ये एग का शेल है, उसके अंदर ये कोरासीडियम लार्वा है। अब कोरासीडियम लार्वा जो है ये हैच करता है, उसका ये वाला जो ऊपर वाला शेल होता है उतर जाता है, यहाँ पर कोरासीडियम लार्वा हैच एंड फ्रॉम एग। ठीक है, ये निकल आया एग से बाहर निकल आया कोरासीडियम लार्वा हैच करने के बाद। अब इंजेस्टेड बाय क्रस्टेशियंस एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोसरकॉइड इन बॉडी कैविटी ऑफ द क्रस्टेशियन, अब ये एक क्रस्टेशियन है जिसको कॉपीपॉइड कहते हैं। अब जो कोरासीडियम लार्वा है वो क्रस्टेशियन जो हैं कोरासीडियम लार्वे को इंजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह कोरासीडियम लार्वा जो होता है वो क्रस्टेशियंस की बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर जब ये इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये प्रोसरकॉइड लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो कॉपीपॉइड होता है इसको कोई फिश ईट कर लेती है। अब ये जो फिश है ये इसको ईट करी। अब यहाँ पर एक क्रस्टेशियन था, क्रस्टेशियन जो था ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट था, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट था जिसने सबसे पहले लार्वा को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया। उसके बाद अब इस कॉपीपॉइड को जिसके अंदर ये प्रोसरकॉइड लार्वा प्रेजेंट है इसको ये वाली फिश इंजेस्ट कर रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होगा। ठीक है, अब ये लार्वा फिश के अंदर पहुंच गया है, क्रस्टेशियन इंजेस्टेड बाय फिश एंड प्लीरोसरकॉइड लार्वा प्रोड्यूसेस इन द मसल्स ऑफ द फिश, और फिर ये जो प्रोसरकॉइड लार्वा है ये फिश के मसल्स के अंदर जाकर प्लीरोसरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ह्यूमन ईट करेगा पुअरली कुक्ड फिश मीट वो भी इस लावा से इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो होगा क्या, जब ह्यूमन इस फिश को ईट करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी ये लावा चला जाएगा, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लावा चला जाएगा ह्यूमंस के, तो इस लार्वे का जो स्कॉलेक्स होगा, फिर स्कॉलेक्स अटैच्ड टू द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, इसका जो बॉथरिया होता है जो अटैचमेंट पार्ट होता है स्कॉलेक्स के अंदर, ये जो बॉथरिया होते हैं ये होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अटैचमेंट करवा लेता है, और उसके बाद ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो ये टेपवर्म जो होता है इसका जो लावा होता है ये एडल्ट में डिवेलप कर जाता है। सो एडल्ट डिवेलप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो इन ह्यूमन के अंदर ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, और ह्यूमन जो होता है इनका डेफिनेटिव होस्ट होता है, और क्रस्टेशियन जो होते हैं और फिश जो होती है इनके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर हमने दो इंटरमीडिएट होस्ट देखे हैं और एक डेफिनेटिव होस्ट देखा है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल,
ब्रॉडफिश टेपवर्म का